जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए, जिससे जनमानस को शासकीय योजनाओं की बेहतर जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि योजनाएं गरीबों के हित में संचालित की जाती हैं और उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने तथा कोई भी पात्र लाभार्थी शासन की योजना से वंचित न रह जाए तथा जो कार्य कराया जाए उसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को अवश्य दी जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। उन्होंने कहा कि बैठक में लिए गए निर्णयों का 100% अनुपालन समयबद्धता के आधार पर अवश्य किया जाए। उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का समीक्षा किया तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों को सुनने के पश्चात संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समयबद्ध ढंग से दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन योजना से वंचित ना हो तथा पेंशन की धनराशि समय से उसके खाते में भेज दी जाए तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत नवीन पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में कहा कि समय समय पर विकास खंड तहसील स्तर पर आयोजित बैठकों में ग्राम प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रचार प्रसार तथा नवीन आवेदनों का भौतिक सत्यापन कराकर जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति के माध्यम से आवेदन पात्रों को स्वीकृत कराकर निदेशालय को भी अग्रसारित किया जाता है। इसके अलावा सांसद कमलेश पासवान ने शासन के विभिन्न योजनाओं के क्रमवार समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक महेंद्र पाल सिंह, संत प्रसाद, संगीता यादव, विपिन सिंह, ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने कहा, काम हो गया है।
प्रशिक्षण दिया जा रहा है, दूसरा मानव सेवा संस्थान है जिसमें 110 लाभार्थियों को प्रशिक्षण। पिछली बार हुआ था पिछली बार आपने बोला था कि प्लेस बताइए कहाँ पे है सर? ये जो है सर। और तीसरा हमारा रुस्तमपुर ढाले के पास में है सर। रुस्तमपुर ढाले के पास ही तो मेरा घर है, हम ही नहीं जान पाते हैं कहाँ है। माननीय विधायक ग्रामीण सर का जहाँ पे है आवास वही पास में ही है सर। उनको भी दिखा दीजिए एक बार सर, अभी सांसद जी को सर चाह रहा हूँ उसको जानकारी नहीं मिले वो अपना बेसिक डेटा दे रहे, बाकी फोन पे हम उसको भी बुला के उसकी काउंसलिंग स्किल गैप असेसमेंट ये पिछले एक हफ्ते से स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है। 2600 बच्चों ने रजिस्टर किया, अभी बसंत पंचमी में उसमें से कुछ बच्चों को छांट के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ISPCS का भी गाइडेंस देना है उसकी तैयारी चल रही है। 15 जब अभी बसंत पंचमी आई और उसमें से 4 लाइब्रेरी हम लोगों ने रिफर्बिश कर ली पूरे शहर में और वो भी हम बच्चों के लिए खोल रहे हैं, ये इनिशिएटिव दिया है। और स्किल डेवलपमेंट में हम लोग बच्चों को जो है इंडस्ट्री से जोड़े थे जो गीड़ा में, तो गीड़ा में जैसे गैलेंट से बात हुई है और ISEL से हुई है, HURL से भी हुई है, तो उनको कहा गया कि आपका पहला जो डेटा बेस है वो हमसे आप लीजिए हमारे बच्चों को प्रेफर करें, ये आपको यथार्थ रूप में अगले 1 महीने में मिल जाएगा। बच्चे रेगुलरली टेम्प्रेरी हमने विकास प्रोग्राम से शुरू किया है। और सर आज जो हमारे प्रभारी मंत्री जी आए ISPCS का जो सेंटर बन रहा है बेटी आता है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, यहाँ पे अलग जी होंगे वो बताइए क्या उसमें करना है, सारा इनिशिएटिव बताइए आप। बाकी बच्चों को उनसे बात करके कभी होता है कि घर का या समाज का दबाव कुछ होता है लेकिन उनके अंदर कुछ और भावना होती है जिसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो इस चीज को हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली बच्चों ISPCS, दूसरा स्किल डेवलपमेंट, तीसरा कोई कॉम्पिटिशन का होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिन्हें डिग्री करनी है, डिप्लोमा है लेकिन वो प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा, तो बच्चे कह रहे हैं कि हमके ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो हम इंडस्ट्री के साथ टाई अप कर रहे हैं, जैसे नोएडा में भी बात की है, TCS भी अभी आई थी, तो उन बच्चों को प्लेटफॉर्म दे देंगे। स्किल यहाँ गैप है, जैसे स्पोकन इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अजय हैं तो वो स्पोकन इंग्लिश के लिए तैयार है कि हम उन बच्चों को देंगे। तो अभी क्लासिफिकेशन का दौर चल रहा है पिछले 10 दिन से, तो 4600 बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, 900 बच्चों को हम लोग पूरा काउंसलिंग कर चुके हैं, मतलब आज भी बहुत बच्चे भी विकास में थे लेकिन हमने फिर उनको बताया कि आप इसे करेंगे कल से फिर लेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव गोरखपुर में दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और आप लोगों के जो भी गाइडलाइंस है, और अगर आप लोग इसमें कोई भी इनपुट देना चाहें तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड जो भी, तो इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला है। और 4 लाइब्रेरीज एक और विकास भवन में भी लाइब्रेरी दे रही है बना के, 4 तो रेडी है, अभी बसंत पंचमी में भी चालू हो जाएगी। राजधानी बलभट्टा जी, ये तो एक सड़क है ना जी, ये कितने किलोमीटर? 6.2 किलोमीटर 5.3 किलोमीटर से जो दुनिया का सड़क मार्ग जो इसके पूर्व में भी चर्चा हुआ था, मतलब से दुनिया पार्क जो अनुरक्षण में है सर, इसमें कुछ पैसे जुड़े थे उसकी सब मरम्मत करा दी गई है सर, इधर जाने मुसर का कुछ इसलिए 2018 में हुई मैंने कंप्लीट कब किए थे आप ये बताइए ना, मार्च 2018 में झूठ बोल रहे हैं। अभी पिछली बैठक में मैंने आपसे आग्रह किया था कि सड़क पर नहीं बनी है, तो 7 महीने में ही सड़क टूट गई, ये स्थिति हो गई। मार्च 2018 बनी है, सब याद होगा, मैंने नोट कराया था आपको भी DM साहब से। उसके बाद ये सड़क टूट गई, साल भर भी नहीं हुआ, ये क्या मालिक से बना रही हो?
सर ये 2018 में सब बनी हुई थी सर, इसमें सर नहीं पड़ रहा, इसमें सर नहीं पड़ रहा क्योंकि इसमें ठंड ज्यादा है। ठंड जा रहा है समझ रहे हैं, 10 डिग्री के नीचे विटामिन नहीं टिकेगा वो, ठीक है जी। विटामिन के अलावा बाकी चलने लायक तो कर सकते हो ना, ठीक है सर। रिपोर्ट होगा देख लेना, दो दिन के अंदर करके आप सांसद जी की रिपोर्ट दोगे, ये आपको जिम्मेदारी है, तो आपके खिलाफ लिख के भेजना पड़ेगा। इसी मीटिंग में 3 बार हो चुका है तो आपके खिलाफ लिख के भेजना पड़ेगा। मुझे कह रहा है दुर्भाग्य लगा, समझ सकते हैं मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, देखिए दिशा पर बैठक करते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार की दिशा की बैठक इसको गंभीरता से ली जाती है, और हमारे जो मंत्री सदस्य जिस बात को जिस सड़क को लेकर चर्चा वर्षा करते हैं उसको गंभीरता से ली जाती है। सही करा के सांसद जी के रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद हमें अनुमान लगे नहीं है तो फिर आपके खिलाफ भेजना पड़ेगा, फिर एफआईआर भी दर्ज होगा। देखा नहीं है और जनता उसे भुगत रही है। 500 मीटर बिल्कुल गड्ढा बना हुआ है, कस्बा है वो, दोनों तरफ से पानी लग जाता है, दिक्कत हो रही है। उस 500 मीटर की चिंता है, पूरी सड़क 10 मीटर बेघाट से साफ हो, आज चलने लायक नहीं। दिशा समिति का मीटिंग है, इस पर माननीय सांसद जी उस पर अध्यक्षता पे हुआ है, सारे जनप्रतिनिधि लोग थे, सभी विभाग लोग थे उस पर, और विभिन्न जो समस्या जनप्रतिनिधि लोग कितने किए हैं उसको तो हम लोग विभाग का नोट करा लिया, और विभाग का जो प्रगति है उसी का पूरा मॉनिटर कराने के लिए रिव्यू हुआ था, और काफ़ी संतुष्ट थे वो। और आगे जो वित्तीय वर्ष के पहले यानी मार्च के पहले जो कितने निर्माण काम जनता कल्याणकारी काम वो सबको समाप्त कराने के लिए हम लोग आश्वस्त किए हैं, समय से हो जाएगा, उसी के रिव्यू मीटिंग का।